चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रीस नोट जो कि ओलंपिक स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट बेस्ड कंपनी है, उसने प्रेडिक्ट किया है कि भारत जो है वो आगामी ओलंपिक्स में 17 मेडल लेकर आएगा जिसमें 4 गोल्ड मेडल शामिल है। और एक कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा मेडल की उम्मीद लगाई जा रही है वो है शूटिंग। और शूटिंग में हम आपको सौरभ चौधरी और मनु बांकेर के बारे में बता चुके हैं। अब वक्त आया है आपको एक ऐसी बेहतरीन निशानेबाज से परिचय कराने का जिनका नाम है राही सरनोबत। राही सरनोबत ने हाल ही में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ISSF की स्वर्ण पदक हासिल किया है। और इसी का अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो मनु बांकेर जो है वो 7वें स्थान पर रही है। एक नजर डालते हैं राही सरनोबत की जिंदगी के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स और क्वालिटीज के बारे में। तो राही सरनोबत का आपको बता देता हूं कि जन्म जो है वो कोल्हापुर में हुआ था साल 2013 में। राही उस समय सभी की नजरों में आई थी जब वो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर बनी थी। राही सरनोबत पहली महिला शूटर भी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है। साल 2006 में जब कोल्हापुर की रहने वाली तेजस्विनी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, उसके बाद जिस तरह से फैंस ने तेजस्विनी का स्वागत किया था उससे उस समय 8वीं क्लास में पढ़ने वाली राही काफी प्रभावित हुई थी। उन्होंने भी देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखा और अपने हीरो तेजस्विनी की तरह और उसको करने में वो कामयाब हुई। कुछ अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं राही सरनोबत की। 2011 के ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में राही ने कांस्य पदक अपने नाम पर किया था। राही ने साल 2013 में हुए ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता था। साल 2019 के ISSF वर्ल्ड कप में राही ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नई दिल्ली में हुए साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राही ने गोल्ड मेडल जीता था। ग्लासगो में हुए साल 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राही ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। दिल्ली में हुए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राही ने सिल्वर मेडल भी जीता था। एशियन गेम्स 2014 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में राही ने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया वो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनके करीबी लोग बताते हैं कि राही सरनोबत की जो याददाश्त है वो काफी तेज है। उन्हें एक तारीख के बारे में काफी अच्छे से पता रहता है, उन्होंने कब किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मौजूदा समय में राही महाराष्ट्र राज्य सरकार में डिप्टी कलेक्टर राजस्व के पद पर नौकरी कर रही हैं। अभी राही सरनोबत सिंगल है और आने वाले भविष्य में उनका क्या प्लान है इसको लेकर अभी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। राही सरनोबत की अगर हम बताएं कि जो कैटेगरी है 25 मीटर की, उस कैटेगरी में एक बेहतरीन निशानेबाज के रूप में उभर कर आई है भारत के लिए। और जैसे मनु बांकेर से उम्मीदें हैं, सौरभ चौधरी से उम्मीदें हैं, उसी तरीके से राही सरनोबत से भी उम्मीदें जग गई हैं। हाल ही में जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो 25 मीटर में ISSF के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उससे जो है हौसले और बुलंद हो गए हैं कि जो नंबर ऑफ टैली है मेडल्स की वो 17 को आखिर सरपास भी कर सकती है। बिकॉज शूटिंग एक ऐसी कैटेगरी है जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया जिससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और जिस तरीके से इंडियन शूटर्स ने इंप्रूवमेंट करी है उसका क्रेडिट डेफिनेटली फेडरेशन को जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट को जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको एथलीट्स की मेहनत को भी जाता है जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, शूटर्स ने मेहनत करी है। सो आई थिंक वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट एंड वॉच के किस तरीके से इंडियन शूटर्स जो है अपने आप को पैंड आउट करते हैं आने वाले ओलंपिक्स 2021 में। और हमारी उम्मीदें उनके साथ है, हमारी विशेष उनके साथ है। वी विश राही सरनोबत ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स 2021। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।